चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स के ब्रिगेड का जायजा किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रूप से अपनी ताकत और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने के लिए कहा। साथ ही जिनपिंग ने सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। जिनपिंग की ओर से सैन्य ताकत बढ़ाने, खासतौर से परमाणु हथियारों पर जोर देने की कोशिश ऐसे समय में हो रही है जब चीन की ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिकी से तनातनी है। वहीं भारत से भी बॉर्डर पर चीन का टकराव चल रहा है। ऐसे में जिनपिंग के इस दौरे से कई सवाल उठ रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिनपिंग ने सैनिकों से अपने काम को दृढ़ता से पूरा करने के लिए कहा है। शी जिनपिंग ने जिस पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स की एक ब्रिगेड का निरीक्षण किया है, वह रॉकेट फोर्स देश की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों की देखरेख करती है। चीनी मीडिया के अनुसार निरीक्षण के दौरान शी ने सैनिकों से राजनीतिक मार्गदर्शन का पालन करने, मिशन जिम्मेदारी को मजबूत करने और बल निर्माण के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ दिनों पहले चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास भी किया था। इसमें फाइटर जेट्स और वारशिप का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि चीन ताइवान को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है।